हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 23rd मार्च एक्चुअली। तो वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा और इसमें ऑलमोस्ट 10 टीमें तो रहेगा ही, आपको पता होगा। तो 10 टीम में कौन इस साल खरीदा गया है, कितना किसको सैलरी मिला है, फीस मिला है। एक्चुअली सैलरी तो नहीं बोला जाता, टेक्निकल इट्स अ रॉन्ग वर्ड, तो आप फीस बोल सकते हो उसको। तो किसको कितना मिला है, हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और पहले मैं आपको बोल देता हूँ, जो गुजरात टाइटन का ओनर है ना, वो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है। ये इनके इसका नाम है सीबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा बोल के है। और ये आई थिंक रजिस्टर्ड भी है इंडिया में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऐसा बोल के होता है। ये वही कंसेप्ट है, आप प्राइवेट इक्विटी और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ये सब के बारे में आपको पता होगा, तो ये उसके अंडर ही आता है। ठीक है, तो चले इस आपको ओनर में तो उतना कोई कॉन्सेंट्रेट करता नहीं है कौन ओनर है कौन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जस्ट जानने के लिए बोल दिया। इस साल देखिए, हार्दिक पांड्या को सबसे ज़्यादा मिला है, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम ही मिला है हार्दिक पांड्या और रशीद खान को। हार्दिक पांड्या को ऑलमोस्ट 15 करोड़ मिला है इस साल, और हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेगा इस बार। कैप्टन में और भी एक है, मैं वो केन विलियम्स है ना, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। रशीद खान आपको पता होगा अफगानिस्तान के लिए है, और ये ऑलराउंडर भी है, और इन्हें भी 15 करोड़ मिला है। उसके बाद राहुल त्रिवेदिया को इस साल मिला है 9 करोड़। राहुल त्रिवेदिया इनका उतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन मतलब मान लीजिए जब आपका काम जरूरत पड़ सकता है ना, ये खेल जाएगा तो वो उस आई थिंक नेक्स्ट ये लास्ट साल भी वही किया था, जहाँ पे गुजरात टाइटन को जरूरत था ये खेल गया वहाँ पे, और इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। शुभमन गिल के देखिए, ऐसे T20 का तो बैट्समैन है नहीं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैच या वनडे खेलना चाहिए, बट फिर भी गुजरात टाइटन ने इनको रिटेन किया है। आई थिंक 8 करोड़ है इनका सैलरी। मोहम्मद शमी का भी बॉलर है, 6.25 करोड़ में गुजरात टाइटन के पास है। शिवम मावी देखिए, बहुत अच्छा ऑलराउंडर बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी बॉलिंग ही करेगा। इनको 6 करोड़ है इनका फीस। उसके बाद जॉस लिटिल आयरलैंड का है कि बॉलर है, मुझे लगता नहीं कि इस साल खेलेगा, नहीं पता गुजरात का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, बट एनीवेज इनको 4.4 करोड़ में रिटेन किया है। उसके बाद यश दयाल उतना तो खेला नहीं है गुजरात टाइटन से, बट इनको भी इस साल 3.2 करोड़ में मिल रहा है फीस। उसके बाद शाई किशोर लेफ्ट आर्म बॉलर है, इनको 3 करोड़ में मिल रहा है गुजरात टाइटन की तरफ से। उसके बाद डेविड मिलर भी है, साउथ अफ्रीका का मतलब धुमाधर ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा बैटिंग है इनका, इन्हें 3 करोड़ मिला है गुजरात टाइटन की तरफ से। उसके बाद अभिनव मनोहर को इस साल मिला है 2.6 करोड़, ये बैटिंग ऑलराउंडर है, इंडिया की तरफ से खेलता है। उसके बाद मैथ्यू हेड, ये पता है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोवर्शियल विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है, इवन विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छा करता है, इन्हें 2.4 करोड़ में गुजरात टाइटन ने रखा है। उसके बाद अल्जायरी जोसेफ, ये वेस्ट इंडीज का बॉलर है, इन्हें इस साल मिला है 2.4 करोड़। उसके बाद केन विलियमसन, जैसे मैंने आपको पता बोला है ना कि गुजरात टाइटन ने दो कैप्टन रखा है, एक केन विलियमसन और हार्दिक पांड्या, तो और केन विलियमसन को 2 करोड़ मिला है। इसके बाद रिद्धिमान शाह विकेट कीपिंग बैट्समैन है, आई थिंक ये ओपनर भी कर सकता है, लेकिन इनका एज थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, बट फिर भी इन्हें 2 करोड़ मिला है। उसके बाद जयंत यादव बॉलर है, और इनको 1.6 करोड़ मिल रहा है गुजरात टाइटन की तरफ से। उसके बाद विजय शंकर तो देखिए ऑलराउंडर था, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से इस साल इन्हें गुजरात की तरफ से सिर्फ 1.4 करोड़ मिल रहा है। उसके बाद शिखर भारत को इस साल मिल रहा है 1.2 करोड़। इसके बाद मोहित शर्मा का बॉलिंग उतना अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी इन्हें 50 लाख में गुजरात
की तरफ से रखा गया है। उसके बाद ओडियन स्मिथ, ओडियन स्मिथ को ये वेस्ट इंडीज का है, इन्हें 50 लाख में रिटेन किया गया है। उसके बाद नूर अहमद अफगानिस्तान का है और इन्हें ये सिर्फ 18 साल का है, इन्हें 30 लाख में रिटेन किया गया है। उसके बाद दर्शन नखांडे, ये इंडिया का है और इन्हें 20 लाख में रिटेन किया गया है। उसके बाद उर्विल पाटिल को 20 लाख में रिटेन किया गया है। उसके बाद साई सुदर्शन को 20 लाख में रिटेन किया गया है। और उसके बाद आता है प्रदीप संगवान इंडिया का बॉलर है, इन्हें 20 लाख में रिटेन किया है। तो आप इसको इसमें देखेंगे ना, टोटल देखिए 100 करोड़, ऑलमोस्ट 93 करोड़ के आसपास, 90.53 ऐसा कुछ इन्होंने स्पेंड किया है गुजरात। और गुजरात इसके बदले में सबसे ज़्यादा फीस जो दिया गया है वो हार्दिक पांड्या को मिला है, उसके बाद रशीद खान को, और यही दो की प्लेयर रहेगा। उसके बाद आई थिंक वृद्धिमान शाह भी खेल सकते हैं, जैसे पहले खेला था, वृद्धिमान शाह भी खेल सकते हैं, मैथ्यू वेड भी खेल सकते हैं, देखेंगे ये सब के बारे में। और एनीवेज आपके लिए कुछ, आप मुझसे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिए।